रीवा जिला के समरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत बरहा के ग्राम पंचायत की सरपंच और सचिव पर ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरहा के ग्रामवासियों ने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उल्लेखनीय है कि यह वही पंचायत है जिसमें विगत विधानसभा चुनाव के दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए मतदान के बहिष्कार की घोषणा की थी। इस ग्राम पंचायत के अधीन गांव पटना के ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सचिव द्वारा 10 से 15 हजार रुपयों की मांग की जाती है। विद्यालय भवन में लाखों रुपयों से निर्मित बाउंड्री वाल धराशायी हो गई, सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर कराते हुए सरपंच और सचिव के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम में विहित धाराओं के तहत कार्रवाई करने और राशि वसूली कराए जाने की मांग की है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा नाम पारसनाथ पांडे, शिक्षक है, मैं रिटायर्ड टीचर हूं। कौन सा गांव है ये? ये ग्राम पटना है। क्या समस्याएं यहां आपके पटना में आ रही हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा लगा हुआ है, लेकिन यहां जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, यहां का हैंड पंप भी बंद है। कौन से मोहल्ले का है, कौन सा टोला है? ग्राम पटना है, इसमें मोहल्ला नहीं है, ग्राम पटना पूरा है, एक ही गाँव है। ग्राम पंचायत बरहा पंचायत के अंतर्गत है और बरहा पंचायत की जनसंख्या 1600 है, इसकी 450 है। ये छोटा गांव होने के नाते इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। ना तो कोई विधायक आया, ना यहाँ कोई अधिकारी आता है, ना अधिकारी आया, ना कोई। ये लॉकडाउन में भी कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका बब्बा जी? हमारा नाम है दीनवंत प्रसाद त्रिपाठी। क्या समस्याएं यहाँ आ रही? समस्या बताई तो रहे, बतावा फिर। यहाँ कोई अधिकारी कभी नहीं आया है आज तक। इसके पहले भी यहाँ पे विधायक आया, ना कोई आया, ना कोई आया, कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं आते। हाँ, कोई नहीं आया। इसके पहले भी यहाँ बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लोग अनशन किए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं। तब रोड बन गई है ये। अरे रोड आने जाने दूरी है, दूरी है, वो भी अभी डामर नहीं हुई। अच्छा, वो भी पता नहीं, एकात अनशन और करना पड़ेगा तब। अरे होती है नहीं होती, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ और कोई ऊपर के अधिकारी नहीं आते? कोई नहीं आता यहाँ। ब्लॉक कोई यहाँ डॉक्टर आता, न कोई यहाँ वैद्य आता, न कोई यहाँ अधिकारी आता, कोई नेता विधायक कोई नहीं आता। और जब वोट लेना होता है तब भजिया फराने आते हैं। ये देखिए यहाँ की समस्या ऐसी है कि यहाँ जब वोट लेना है, लेना होता है, तो यहाँ नेता विधायक आते हैं नहीं। अच्छी बात है तो। और यहाँ जो न बिजली वाले आते, न लाइट वाले आते, न हैंड पंप वाले आते, यहाँ कोई नहीं आता। अब पैसा लेने सब आते, बिजली वाले आएंगे, कहेंगे नहरों को पैसा दे, पानी नहीं आया नहर, पानी नहीं आया नहर में, सब सींच रहे हैं इधर से उधर करके। पानी की तो बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। निधड़क कोई नहीं बोलता, हम निधड़क बोलते हैं। अब बुलाओ विधायक को, चाहे कलेक्टर को बुलाओ तो ऐसे बोलेगा। कौन है आपके यहाँ क्षेत्र विधायक? कौन है? KP चौक त्रिपाठी है। क्षेत्र कभी भ्रमण? अरे हम चिंता नहीं आहन के बाद चौथ कहाँ है, को आए दाई मतारी ने देखा। अरे बताई तला गए मादर ओदर ने कहे हम ये सकले नहीं दिखा रहा भाई आज तक उनका। देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र जो कि हमारे सिमरिया विधायक है KP त्रिपाठी जी, और यहाँ की जनता उनको भी पहचानने से इनकार कर रही है, यानी उनका कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है क्षेत्र में, उनका आना कमी है नहीं है, सगली कमी है, कभी क्षेत्र में नहीं आते। और जब वोट लेना आते हैं तब भर कहा था नहीं उठ जाते, कहते कि ले बाल ले पर नहीं मांगे। हाँ, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और इस जैसा कि मैं पहुंचा हूं अभी रीवा जिले के, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पंचायत बरहा 344 और पटना क्षेत्र के ये आता है सिरमौर ब्लॉक जनपद पंचायत।
सिरमौर है। मैं अभी उस गांव में पहुंचा हूं, बरहा और पटना गांव में हमारी मुलाकात यहां हो रही है। यहां के ग्रामीण लोग हैं जो कि यहां विकास कार्य कैसे हुआ है और क्या हो रहा है यहां के रहवासी बताएंगे। मैं अभी यहीं पे अभी बात करना चाह रहा हूं यहां की जो ग्रामीण है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पारसनाथ पांडे, मैं इसी ग्राम का पुस्तैनी निवासी हूँ। मेरे ग्राम का कोई विकास नहीं हो रहा। आज से कम 6 वर्ष पहले ये स्कूल की बाउंड्री बनी थी, उसका हाल आप लोग देख सकते हैं अपनी नज़रों से। क्योंकि मेरा 100 साल का कच्चा घर अभी है, लेकिन ये 12 लाख की बाउंड्री स्वाहा हो गई, ख़त्म हो गई। यहाँ के जो सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, सब भ्रष्टाचार पर उतारू। कौन है यहाँ के सरपंच? कौन है इस क्षेत्र के सरपंच? कौन है इस सरपंच के? प्रेमा देवी कुशवाहा और सेक्रेटरी ललित प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन पहले सेक्रेटरी वो खुद थे, जब ये बनाई गई थी ये बाउंड्री जब बनाई गई थी तो वो खुद सेक्रेटरी थे और सरपंच थे। तो ये लीपा पोती हुआ है बाउंड्री का स्कूल का। और ग्राम में जो मेरे रोड सेंक्शन हुई है, हम लोग विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किए थे। मेरा ये जो विद्यालय है इसमें 4 वोट पड़े थे, पूरा गांव के लोग हम लोग सब बहिष्कार किए थे। रोड चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोगों ने वोट नहीं दिया। और जैसा कुछ भी नहीं, कभी कोई किस प्रकार के कोई विकास नहीं चल रहा है। तो इसकी और कहीं लिखित शिकायतें और कोई लिखित शिकायत सब कुछ होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसमें। जनपद है, ब्लॉक है आपका, यहाँ लगता है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कभी इस कार्य के लिए, सुनवाई के लिए कभी आवेदन वगैरह दिया? आवेदन हम लोग इसलिए नहीं दिए भाई, सरपंच सुनते हैं, जनता सुनती है सरपंच को, तो सरपंच के पास जाके पब्लिक बोलती है। तो सरपंच क्या यहाँ रहते हैं? सरपंच कभी क्षेत्र में आते हैं, कभी आते भी नहीं।